हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आर्द्रता और संघनन। तो इस वीडियो में दोस्तों, हम आर्द्रता के बारे में, जो आर्द्रता के जो प्रकार होते हैं इनके बारे में समझेंगे, और जो संघनन होता है वो आखिर होता क्या है, और संघनन से जो क्या क्या संरचना बनती है, किस किस टाइप का संघनन होता है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम कई बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेते हैं और उनके बीच में कई छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं, जिनकी वजह से हम एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को देख लेते हैं पर इन्हें पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो वो हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी उद्देश्य से तैयार की गई है कि हम इसे में छोटे से छोटा टॉपिक भी कवर करेंगे, ताकि ये एग्ज़ाम्स में आए तो आप लोग ये इसका सही आंसर दे पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आर्द्रता पे बात करते हैं दोस्तों। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। दोस्तों, इसकी मात्रा वायुमंडल में 0 से 4% तक पाई जाती है। तो ये आप परसेंटेज इसका याद रखिएगा। और आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में आर्द्रता की इकाई क्या होती है, तो वो होती है ग्राम प्रति घन मीटर। और दोस्तों, जब किसी वायु में उसकी सामर्थ्य के बराबर जल वाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं, यानी सेचुरेटेड एयर कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें। और दोस्तों, अब हम प्रकाश डालते हैं आर्द्रता के कुछ प्रकार के बारे में। इसके तीन प्रकार विशेष रूप से पूछे जाते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षित आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। तो पहले बात करते हैं निरपेक्ष जो आर्द्रता है। दोस्तों, हवा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन याद रखें, जो हवा के जो प्रति इकाई आयतन होता है, इस पे जो जल वाष्प की मात्रा और जो उपस्थित होती है, इसे बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और इसके अलावा सापेक्षित जो आर्द्रता है वो है किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल में, सॉरी, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं दोस्तों, सापेक्षित आर्द्रता। तो दोस्तों, जो निरपेक्ष जो आर्द्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन में होती है जल वाष्प की मात्रा, और सापेक्ष में होती है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। तो इन दोनों को आप याद रखें। और जो विशिष्ट आर्द्रता होती है, तो इसमें दोस्तों हवा के प्रति इकाई भार में जो जल वाष्प के भाग को जो होते हैं वो विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। तो दोस्तों, तीन डेफिनेशन हमने समझी, तो आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं दोस्तों हम संघनन की। तो जो संघनन होता है और उसके हम रूप देखेंगे संघनन के, तो दोस्तों जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में जो चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संघनन या कंडेंसेशन। तो जैसे कोई गैसीय जो अवस्था में कोई चीज़ है, वो जब चेंज होकर तरल अवस्था में हो जाती है या ठोस अवस्था में आ जाती है, तो उसे कहते हैं संघनन, यानी उन अणुओं का या कणों का इकट्ठा होना। तो हम इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं एकत्र होना। संघनन का हमारी भाषा में मीनिंग हुआ एकत्र या इकट्ठा हो जाना, तो इससे हम याद रखेंगे। और दोस्तों, जो संघनन के हम कई रूप देखते हैं दोस्तों, संघनन के समय में ओशांक यानी ड्यू पॉइंट या तो हिमांक के नीचे होगा या हिमांक के ऊपर रहता है। तो ये आप बात याद रखिएगा दोस्तों। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं दोस्तों ओशांक। तो ओशांक की हमने डेफिनेशन देगी, तो ये जो ओशांक होता है, तो ये संघनन के समय या तो हिमांक के नीचे होता है या हिमांक के ऊपर होता है, इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों, संघनन का एक रूप है ओस यानी ड्यू। तो दोस्तों, आपने देखा होगा धरातल के सन्निकट की वायु में उपस्थित जल वाष्प जब संघनन प्रक्रिया द्वारा बूंदों में परिणत हो जाती है, तो उन्हें ओस कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, जो जो धरातल की जो पास जो वायु होती है उसमें जो जल वाष्प उपस्थित होता है, तो ये बूंदों में जो है वो चेंज होता है संघनन के द्वारा, यानी जो
एयर होती है और जल वाष्प, ये दोनों एकत्र हो जाते हैं और बूंदा के रूप में ये धरती पे गिरती है, तो इन्हें ओस कहा जाता है। और दोस्तों इसका एक और रूप है तुषार यानी फ्रस्ट, जो धरातल पर जब तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प बूंदों के रूप में ना बनकर हिमकणों के रूप में बदल जाता है, तो जिन्हें क्या बोला जाता है, तुषार या पाला या फ्रस्ट भी इसे कहा जाता है। दोस्तों जब ये तापमान है वो हिमांक के नीचे चला जाता है, इसकी परिभाषा में आपने देखा, तो जो जो वायुमंडल होता है उसमें जो जल वाष्प होते हैं वो बूंदों के रूप में नहीं बनते हैं, जो बूंदों के रूप में ना बन के जो हिम कणों के रूप में नीचे गिरते हैं, जो एक कणों की टाइप में दिखाई देते हैं, जिसे हम तुषार बोलते हैं। और दोस्तों संग्रहण का अगला रूप देखते हैं कोहरा यानी फॉग। तो आपने देखा होगा दोस्तों धरातल से जब सटी हुई जल वाष्प युक्त वायु जब बृहत पैमाने पर शीतल हो जाती है, यानी जो एयर होती है जल वाष्प, जो जल वाष्प से युक्त जो एयर होती है वो जब ठंडी हो जाती है, तो उपस्थित जो जलकण हैं इनके कारण पारदर्शिता प्रभावित होती है, तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, हमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है सर्दियों के टाइम पे, तो यही जो है दोस्तों एक कोहरा हो या फॉग होता है। और दोस्तों धुंध या मिस्ट, तो जब कोहरा जब घना ना होकर हल्का पतला सा होता है तो उसे हम कहते हैं धुंध, तो ये एक कोहरे का ही एक रूप है, जब ये कोहरा हल्का टाइप का होता है तो इसे बोलते हैं धुंध। और दोस्तों एक और होता है धुआंसा यानी स्मॉग। दोस्तों आपने देखा होगा कल कारखानों में, कल कारखानों वाले जो क्षेत्रों में आप गए होंगे, तो ये जो कारखाने होते हैं इन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, इसे धुएं का कोहरा भी कहा जाता है, तो ये ऊपर जो धुआं टाइप का चिमनियों से निकलता है वही कहलाता है दोस्तों धुआंसा। तो दोस्तों ये हमने आर्द्रता और संघनन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, जो हम मैंने पिछली एग्जाम से मैं भी देख चुका हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो छोटी सी वीडियो है तो आप लोग इसे आसानी से देख के, और इनकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, तो एक दो बार वीडियो देख के आपको ये याद हो जाएंगी। और दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है पर ये एमपीपीएससी एग्जाम्स में मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं, वो मैंने इसी टॉपिक में इन्हीं डेफिनेशन में कवर करे हैं, तो ये इनको आप लोग ज़रूर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और एग्जाम्स में आने के इनकी पूरी 100% चांस है। और दोस्तों अपना यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है और वीडियो भी ख़त्म करनी पड़ेगी, और अगली वीडियो में लाता हूँ और अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इसी तरह बनी रहेगा मेरे साथों में और मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। और इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।